वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। आज हम इंडस्ट्री में ये पैनल इंस्टॉल करने जा रहे हैं जो कि मेन पैनल है, और इसकी इंस्टॉलेशन का काम वर्किंग हो रही है जी। जहाँ से केबलें इसमें इन होनी है वहाँ पे इसकी कोर कटिंग की जा रही है। ये कोर कट करने के इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कोर कट करके इसमें मेन केबलें इंटर करेंगे। जैसे कि ये साथ में आप देख सकते हैं कि ये केबलें इंटर हुई हैं, इसी तरह ये कोर कट करके हमने इसमें केबलें इंटर करनी है। ये इसका मेन ब्रेकर है जी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेन ब्रेकर की बस बारें हैं जी। इन बस बारों पे आके ये तारें कनेक्ट होनी हैं। कम से कम इसको 8 तारें लगनी हैं। 300 mm की 3-quarter तार हैं, उनकी कम से कम 8 लगनी हैं क्योंकि लोड के हिसाब से लगती हैं ये। कहाँ पे 2 लगती हैं, कहीं पे 3 लगती हैं, कहीं पे 10-12 लगती हैं, कहीं पे 30-40-20 लगती हैं। ये इंडस्ट्री के लोड के हिसाब से होता है। ये इंडस्ट्रियल पैनल है जी। आज हम इसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इसको ग्राउंड करेंगे। मज़ीद आपको इसकी केबलें लगा के भी दिखाएँगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये इसमें फैन लगे हुए हैं जी जो इसकी गर्माइश को बाहर निकालेंगे। आगे की तरफ कंपनी फ़िल्टर देती है, फ़िल्टर से हवा ताज़ा अंदर आती है, डस्ट बाहर आ जाती है और ये फ़ैन यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ये हमारे कोर कट हो गए जी। ये अभी तक 6 हुए हैं जी, 8 केबल आने हैं हमारी, 2 मज़ीद इसकी इसी तरह के कोर कटन हो गए। इसके बाद इस पैनल को हम ग्राउंड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी इसी तरह ही पैनल इंस्टॉल किए हुए हैं, तो सामने देख सकते हैं जी ये सारे पैनल इसी तरह इंस्टॉल किए हुए हैं, इसी तरह लगाए हुए हैं जी। ये LV रूम है जी इसका, LT रूम बोलते हैं जी इसे। LV रूम से केबल आनी है और LT रूम में लगनी है। जैसा कि पैनल के ऊपर लिखा हुआ है LT-1, तो ये इसी तरह ही है। और ये जो पैनल है ये हवा के लिए एग्जास्ट लगाया हुआ है ताकि पैनलों को ताज़ा हवा मिल सके। और जो ये पैनल है ये HT के पैनल हैं, 11 kV के। यहाँ से इनकी 11 kV कंट्रोल होती है, ऑन ऑफ होती है। ये इसके ऑन ऑफ बटन है। दोस्तों ये इनके लोड के हिसाब से 250 kVAR के पैनल हैं। और मज़ीद इंडस्ट्री का लोड बढ़ाने के लिए, वर्किंग बढ़ाने के लिए ये पैनल इंस्टॉल किया जा रहा है। ये हमारा मज़ीद नया पैनल लगने जा रहा है। ये केबलें लगी हुई थी ओपन, इसके लिए हमने सिर्फ पैनल का बॉक्स लगा दिया। और इस पैनल को ये वर्किंग कम्प्लीट होने के बाद हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो बात यू करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह की मेन और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे।